इकाई के एनवे इनटू ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। एनएथ मोल का एनएथ ग्रुप का सेट, एनएथ ग्रुप कैसे निकालते हैं? क्लियर? 1 की पावर 1/n, इकाई के एनवे मोल, यूनिट रूट ऑफ यूनिट ना, ये 1/n इनका एक सेट है, ये इनटू ऑपरेशन के लिए क्या होता है? ग्रुप। तो यहां अपन कंडीशन दे रहे हैं, लेट पी जीरो इनटू इज अ ग्रुप। याद से समझना क्या बोल रहे हैं, ये तो एक ग्रुप है ना। पी जीरो का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्या लेस करा दे, जीरो, वो होगा सी। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जीरो नहीं आ रहा, ये इनटू ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। लेट करो या गिवन करो, कैसे भी कंडीशन। अब अपन ने ले लिया इकाई के एनवे मूलों का समूह, एक्स बिलोंग्स टू सी जीरो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी वैल्यू देखी यहाँ पर किस फॉर्म में, 1 की पावर 1/n के फॉर्म। वापस देखो, ये ग्रुप है, एच एक सेट है, कैसा सेट है? एक्स बिलोंग्स टू सी जीरो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो किसके इक्वल है, इकाई के एनवे मूलों के, एनएथ ग्रुप के, एनएथ रूट ऑफ यूनिट। क्लियर? ये कंडीशन, इसको अपन सिंपलीफाई करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। ये पावर 1/n रहता है तो ये दोनों तरफ होल पावर होगी। अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूव एक्स इसका सब प्रूफ होना चाहिए, सी जीरो इंटू का। क्लियर? टू प्रूव एच इज सब ग्रुप ऑफ सी जीरो। कंडीशन चल जाए, तो ये ग्रुप, ये सेट फॉर्म में एक्स की पावर एन 1 की पावर हो गया, इस सेट को सब ग्रुप बताएं। सब ग्रुप की दो डेफिनेशन पड़ी, एक तो एच इनटू ऑपरेशन के लिए क्लोज होना चाहिए, एच में एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी इनवर्स ये कंडीशन होनी चाहिए, उससे हो जाएगा ग्रुप, और एच नॉट इक्वल्स टू फाइव सबसेट होना चाहिए सीजीओ। इससे तो होगा सबसेट, सबसेट और ग्रुप दोनों प्रूफ करें तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप की कंडीशन। एक डेफिनेशन ये थी, दूसरी डेफिनेशन इजी, क्वेश्चंस पे अपन उससे नहीं करके ये करेंगे कि एच नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं एच के अंदर, तो ए बी इनवर्स भी किस पे होना चाहिए, एच नॉट इक्वल टू फाइव सबसेट ऑफ जी। ए और बी एच में है, ए बी इनवर्स भी किस पे आ जाए, एच में, एच क्या होगा, जी का सब ग्रुप हो जाए। क्लियर? तो पहले ये कंडीशन प्रूफ, जी कौन है, सीजी। ये चीज हमेशा आइडेंटिटी के यूज से है, और नहीं पता चल रहा है ऑब्वियसली करते रहे, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन है स्पष्ट है, ये कंडीशन होगी, है ना। तो यहां पर देखें, इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, E1 अपन बताएंगे 1 H के अंदर होनी चाहिए। सबस्ट्रेट से पहले जो एलिमेंट है ये एक्स, किसके एलिमेंट है, एच। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनपे होल पावर 1/n, 1 की पावर 1/n, वो किसके एलिमेंट है, तो सबस्ट्रेट से पहले एच के एलिमेंट, तो एच के जो भी एलिमेंट है वो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, इसको करें या इसको करें। तो यहाँ पे 1 की पावर n किसके इक्वल होगी, 1 के। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी पावर n जो है 1 के इक्वल है, वो एच के एलिमेंट। तो सबस्ट्रेट से पहले जो कंडीशन थी एच के एलिमेंट किसको सेटिस्फाई करते हैं, उनकी होल पावर n के होनी चाहिए 1। तो 1 की पावर n 1 है, तो इसका 1 किस में हो गया, एच पे। एच कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी, यानी कम से कम एक एलिमेंट है क्या, किसका सबसेट हो गया, सी जीरो का, क्योंकि ग्रुप है, इस पे आइडेंटिटी बनोगे। ये कॉन्सेप्ट बताओ,
भी राइट है, नहीं पता चल रहा है ऑब्वियसली स्पर्शता करके डायरेक्टली। अब अपन ने लाइट कर ली दो एच, ए और बी एच के, ए एच में है तो एच की डेफिनेशन से जो भी एलिमेंट एच में है उसकी होल पावर एन क्या होगा, वन। ए की पावर एन किसके इक्वल होगा, वन के। बी एच में है तो बी की पावर एन क्या होगा, इससे बाय डेफिनेशन आओ क्लियर, एच की डेफिनेशन से आगे। अब ए की पावर एन बी की पावर एन वन, अपने को क्या चाहिए, ये एच में होना चाहिए क्लियर। ये एच में कब होगा, जब इसकी होल पावर एल लेंगे हम किसके इक्वल होगी, निकाले तो ए बी इनवर्स इसकी होल पावर, यहां से देखना ए टू ऑपरेशन है, बी इनवर्स का मतलब क्या होगा, बी इनटू के कारण। अब इसको सॉल्व करें, ए की पावर एन बी की पावर एन, ए की पावर एन कितना है, बी की पावर एन कितना है, किससे फर्स्ट और सेकंड बाय रिलेशन फर्स्ट सेकंड, तो ये आ गया ए बी इनवर्स की होल पावर एन किसके इक्वल है, वन के। तो इससे कंडीशन आ गई ए बी इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, एच। अरे किसी की भी होल पावर एन किसके इक्वल है, वन के, वो एच का एलिमेंट। अब कंबाइन करके देखो एच नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, सी जीरो का, और ए और बी दो एलिमेंट्स एच में लिए, अपन ने बता दिए ए बी प्लस बी इसके अंदर आ गया एच के, इसका मतलब एच इनटू इस सब ग्रुप ऑफ सी जीरो, जैसा ग्रुप अपना ऑपरेशन है वैसा ही एच का ऑपरेशन। तो किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करना है, पहले वो सेट लो, उस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, इनटू ऑपरेशन है, इनटू की आइडेंटिटी अपने को पता है वन होती है, और वन किसके अंदर होगी एच में, क्योंकि एच के अंदर जो भी एलिमेंट है उनकी होल पावर एन किसके इक्वल होनी चाहिए, वन की। वन एच में हो गया यानी एच नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया सी जीरो का। अब अपन ने ए और बी दो एच में एलिमेंट है, ए एच में है तो ए की पावर एन कितना होगा, वन, बी एच में है तो बी की पावर एन वन, ए बी इनवर्स एच में होगा तो ए बी इनवर्स की होल पावर एन क्या आना चाहिए, वन। तो इसको सॉल्व करें, ए बी इनवर्स का होना मतलब वन बी होल पावर एन, यानी ए की पावर एन बी की पावर एन, ए की पावर एन यानी वन, बी की पावर एन भी वन, सॉल्व करने पर वन आ गया, जिसकी भी होल पावर एन वन है तो वो किसका एलिमेंट, एच का। तो ये एच नॉन एम्प्टी सबसेट सी जीरो, ए बी एच पे लिया अपन ने बता दिया ए बी इनवर्स बी एच पे, तो ये एच इनटू सब ग्रुप हो जाएगा किसका, सी जीरो इनटू इनका एग्जांपल सेकंड है, ध्यान से इसका फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट था, एग्जांपल सेकंड भी इंपॉर्टेंट, तीन नंबर में प्रूफ करना है एच ग्रुप सी प्लस का एक सब ग्रुप, टू प्रूव एच ये साइड दे रखा है तुमको, ए प्लस आर टू बी सच दैट ए और बी किसमें है, क्यू क्लियर। एच एस फॉर्म में प्रूव करना है, टू प्रूव एच इज सब ग्रुप ऑफ सी प्लस, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करें, पहले नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसे पहले इस सी में प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, जीरो को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो प्लस। अब ये बोल रहा है एच के अंदर कैसा एलिमेंट, सबस्ट्रेट से पहले उसके एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म, और ए और बी किस पे बिलोंग कर रहा है, क्यू में, तो एच हो गया ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए और बी किस पे बिलोंग कर रहा है, क्यू में। तो यहां अपन जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो,
क्या ये जीरो क्यों में होगा? एक परिमेय संख्या है, स्पेशल है, जीरो कैसा होता है? तो ये जीरो अपन ने लिखा है, जीरो प्लस आठ है जीरो, तो ये किसका एलिमेंट हो? एच। एच क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी। किसका सबसेट हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका सब ग्रुप टोटल। अब अपन दो एलिमेंट एक्स और वाई एच, ध्यान से देखना किस फॉर्म में लेंगे। एक्स यानी ए वन प्लस आएगा बी वन, वो एक्स में यानी ए वन प्लस क्या एलिमेंट है? टू। जो भी नाम फंक्शन को के जो एलिमेंट है उनके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई है। वाई वाई यानी ए टू प्लस आयोटा बी टू, इससे बिलोंग करेगा एच। फॉर ऑल ए टू बी टू किसके बिलोंग करेगा? तो ए वन बी वन किसके हैं? ए टू बी टू टू। अब अपने को चाहिए ए बी एच नोट। ए बी नोट क्या बता रहा हूँ? मैंने बोला था जो भी थ्योरम होती है इन जनरल ऑपरेशन, यहाँ इनटू के लिए बी का इनवर्स कौन होता है? ए वन। बट यही डेफिनेशन प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होगी? ए माइनस बी एस होगा। बी का इनवर्स क्या होगा? माइनस। तो ऑपरेशन अगर प्लस का है तो ये डेफिनेशन होगी सब ग्रुप की, ऑपरेशन इनटू का है तो ये डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे अपन ये एक्स है, ये वाई, एक्स माइनस वाई एक्स को बताना कैसे होगा? ए वन प्लस आल्फा बी वन माइनस ए टू प्लस आल्फा बी। ए वन माइनस ए टू आल्फा बी वन माइनस ये परिमेय संख्या बनी है। दो राशि नंबर का डिफरेंस क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर ऑल ए वन ए वन ए टू बी टू किसके एलिमेंट? तो इसका मतलब ए वन माइनस ए टू एंड बी वन माइनस बी टू बिलोंग्स टू दिस कंडीशन। अब ये भी क्यू का एलिमेंट, ये भी क्यू का एलिमेंट है और किस फॉर्म में लिखा जाए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अगर दो क्यू के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखी जाए तो किसके एलिमेंट होंगे? एच के। तो यानी ये वैल्यू किसकी हो गई? एच की। यानी ये किसके इक्वल है? एक्स माइनस वाई के। यानी एक्स माइनस वाई किसके अंदर क्या? तो अपन ने क्या लिया था? एच नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? सी सी का। और एक्स और वाई एच में, एक्स माइनस वाई भी किसपे हो गया? एच में। इसका मतलब एच इस सब ग्रुप ऑफ सी प्लस, और लिखना चाहो पूरा इसमें भी वही ऑपरेशन होगा, एच प्लस इस सब ग्रुप ऑफ क्लियर। सी जीरो एंड टू का सपोर्ट टू ग्रुप एच इस सब ग्रुप ऑफ सी जीरो। एच क्या है? ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ टू, ए क्यू में बी क्यू में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन। अब एच को सब ग्रुप, एच के एलिमेंट किस फॉर्म में? सच डेट से पहले की कंडीशन है, यानी सारे एलिमेंट इस फॉर्म में, ए बी क्यू में बी बी क्यू में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अब एच को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करें? इन टू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। क्या वन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्लियर। ए और बी दोनों क्यू में होने चाहिए, वन भी क्यू में जीरो भी क्यू में। ठीक है। और उन दोनों की स्क्वायर का सम
अरे यार, तो इसका मतलब वन को अपन एक फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये किसका एलिमेंट हो गया एच का, तो एच हो गया नॉन एम्प्टी, किसका सबसेट, सीजीओ। बताना चाहो तो राइट है, नहीं बताओ तो ऑब्वियसली गलत है, इतना स्पष्ट है ये कंडीशन होगी। अब अपन दो एलिमेंट है, एच ये एच का एलिमेंट, तो यानी ए वन और बी वन किसके एलिमेंट होंगे, क्यू और ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही वाई ले लिया, ए टू प्लस बी टू अंडर डॉट टू, वो भी एच में, ए टू बी टू क्यू में, और ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अपने को बताना है किस ऑपरेशन के लिए, इनटू इनटू के लिए क्या कंडीशन आएगी, एक्स वाई इनवर्स वो एच में होना चाहिए, प्लस होता है एक्स का इन स्क्वायर इनटू है तो एक्स वाई इनवर्स, एक्स यानी वाई इनवर्स यानी ए टू प्लस बी टू अंडर डॉट टू का इनवर्स। फिर एच टू के लिए इनवर्स क्या होता है, जैसे बी का इनवर्स करना पाऊंगी, तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, ए वन प्लस बी वन अंडर डॉट टू, ये इनवर्स होने के कारण बना को ए टू प्लस बी टू अंडर डॉट टू, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने पर क्या कंडीशन आएगी, कभी भी अंडर रूट नेगेटिव या अपॉन में आता है क्या करते हैं उसका रैशनलाइज कर, परिमेय करें, ये ए टू प्लस बी टू अंडर डॉट टू है, तो ए टू माइनस बी टू अंडर डॉट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, परिमेयकरण करा दिया उसका रैशनलाइजेशन, ये मैं डायरेक्ट इनटू करके लिख रही हूँ ए वन ए टू, ये इससे बन गया होगा तो टू बी वन बी टू, डीएल को अलग कर दें अंडर डॉट टू, ये इससे हुआ तो बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू, और ये अपॉन में ए टू स्क्वायर माइनस टू बी टू स्क्वायर, ये भी अलग अलग कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भिन्न फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन होती है क्यूब में होती है, ये ए वन ए टू बी वन बी टू सारे क्यूब के एलिमेंट, तो ये भी फ्रैक्शन किसकी होगी, क्यूब की, ये भी क्यूब की, और अंडर का टू से मल्टीप्लाई किया ये कॉमन, तो ये नंबर क्यूब है, और इनके स्क्वायर का सम डायरेक्ट बता देंगे सॉल्व करोगे नॉट इक्वल टू 0, और ये वैल्यू क्यू में कब होगी, ये अपने नॉट इक्वल टू 0 होने से, अगर ये 0 है तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट कोई रैशनल नंबर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे ए टू स्क्वायर माइनस टू बी टू स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, बता देना क्यों, नहीं तो ए टू क्या हो जाएगा, टू अंडर का बी टू, क्या ये क्यू का एलिमेंट है क्या, परिमेय संख्या है क्या ये ए टू, अगर अंडर डॉट टू से मल्टीप्लाई जाएगी तो आपको नहीं मिल जाएगी, तो अगर मैंने इसको 0 ले लिया, ये 0 लिया तो ये तो चुका हो है ही नहीं, परिमेय नहीं है, क्लियर, क्योंकि कोई भी नंबर अंडर डॉट टू से मल्टीप्लाई होता है कार्बन रेशियो, इस कारण से ए टू स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और ये पूरी वैल्यू बता देंगे एच में, क्यों, क्योंकि ये नंबर ए वन ए टू टू बी वन बी टू ए टू स्क्वायर माइनस टू बी टू स्क्वायर इसका एलिमेंट होगा क्यू का, पहले से क्या होगी ना भिन्न होगी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो जाएगा, और ऐसे ही बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू ए टू स्क्वायर माइनस टू बी टू स्क्वायर ये भी इसका एलिमेंट टू का, ये क्यू का अंडर डॉट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, क्लियर, फिर आप वो कमेंट करके देख लो, एक दो टाइम देख लो, एक्स बाय इनवर्स की वैल्यू थी पूरी ये एच आ गई, अब एच नॉन एम्प्टी फाइल किसका सबसेट है, सी का, और एक्स और वाई एच पे है, एक्स बाय इनवर्स किसका आ गया एच पे, तो एच इज सब ग्रुप ऑफ सी,
ये प्रोपोजिशन। और यहाँ एक और चीज बताना चाहो, इसका स्क्वायर 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 नॉट इक्वल टू जीरो, वो चीज मैंने नहीं लिखी। क्लियर? ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर एक्स की, वो एक्स प्लस ये आ गया, एच नॉन एम्प्टी सबसेट था सी का, एक्स वाई एच में ये एच में आ गया, तो ये क्या हो जाएगी सब रूट की कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन।